हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एटेन्यूएटर। तो एटेन्यूएटर हम जैसे जानते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, हम NFTL पढ़ रहे हैं, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो उसमें आपका एक टॉपिक आता है एटेन्यूएटर का। एक बात और है कि थोड़ा इशू हो गया है, हल्का सा क्या इशू हो गया है कि मार्कर तो मिला लेकिन मार्कर मिल गया परमानेंट, तो परमानेंट मार्कर को लिखने के बाद उसको इरेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मतलब कई सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं तब वो इरेज होता है, फिर दोबारा लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये आपको एक साथ लिखा हुआ मिल जाता है स्टार्टिंग में ही, तो उसका रीज़न यही है। और थोड़ा वीडियो लेट आ रही है तो उसका रीज़न मेन यही है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे आते हैं। ओके, तो आपका टॉपिक है एटेन्यूएटर। तो बेसिकली अगर बात करें तो एटेन्यूएटर है क्या, जैसे कि हम जानते हैं जो एटेन्यूएशन मतलब होता है कि कोई चीज़ कम होना, छीण होना। छीण मतलब क्या होता है, कम होना। तो कम होना तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सिंपल सी बात है कि दूध का फटना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर आपको पनीर बनाना है तो दूध का फटना आपके लिए अच्छा है, अगर आपको चाय पीनी है तो आपका दूध फटना खराब है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ज़रूरी नहीं कि जो दोष हो हमेशा वो दोष ही रहे, डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बदमाश हो और आप घर के घर लोग शिक्षित हों तो आप बेकार हो, लेकिन अगर नेता हैं तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सॉरी जोक्स पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एटेन्यूएटर मतलब है क्या। तो एटेन्यूएशन मैंने आपको बोला कि छीण करना। किसको छीण करना, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में छीण हम किसको कर सकते हैं, हमारे पास दो ही तीन ऑप्शन है, या तो पावर, या तो एनर्जी, या तो वोल्टेज, या तो करंट। और मोस्ट प्रोबेबली जो होता है हम वोल्टेज और करंट की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज करंट और पावर को ही छीण करते हैं, कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन प्रोसेस। एटेन्यूएशन प्रोसेस एक प्रोसेस है, यानी कि वो अपने आप होती है। सपोज दैट आप कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि ट्रांसमिशन मतलब कि आप बस लाइट ही ट्रांसमिट कर रहे हो, आप लाउड स्पीकर से बोलते हैं तो वहाँ भी आप ट्रांसमिट करते हो। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चीज़ पहुँच गई है, इसका मतलब आपने ट्रांसमिट किया है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के थ्रू क्या होता है कि कई सारे लॉसेस आ जाते हैं, तो उससे आपका सिग्नल छीण हो जाता है, वो एटेन्यूएशन है। लेकिन अब हम जानबूझकर किसी चीज़ को कम कर रहे हैं तो वो होता है एटेन्यूएटर। ओके, अच्छा तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट क्या है। एन एटेन्यूएटर इज अ टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड लोड टू प्रोवाइड डिजायर एटेन्यूएशन। मीन्स एटेन्यूएटर एक सर्किट है जो कि टू पोर्ट से बना हुआ है और यह सोर्स और लोड के बीच में लगा होता है, और जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है उतना ये सिग्नल को छीण कर देता है, कम कर देता है, एटेन्यूएट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी की बात करो, तो टीवी में आप वॉल्यूम होता है ना, ब्रॉडकास्ट अगर टीवी अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, तो कारण क्या है, एटेन्यूएटर है। एग्जांपल लेते हैं, खेतों का लेते हैं। अगर आप खेतों में पानी लगाते हैं तो पाइप वगैरह जो भी होता है आजकल, या घर में जो सिंपली आपका नल होता है उसमें क्या करते हो आप, कम ज़्यादा करने के लिए आपको प्रोसेस होती है कंट्रोल करने के लिए, तो अगर कम करना नल को तो आप कम कर सकते हैं, तो एटेन्यूएटर आप उसको बोल सकते हैं। चलिए अब एटेन्यूएटर तो हो गया, बना लिया भाई हमने, अब ये बनता किसका है ये भी इम्पोर्टेंट बात है, और कैसे हम चीज़ों को एटेन्यूएट करेंगे। तो याद रखिए कि एटेन्यूएशन जब भी हम करते हैं तो हम रेजिस्टेंस ही लेते हैं हमेशा। अभी तक आप देखते आ रहे हैं इम्पीडेंस 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 इम्पीडेंस, चाहे वो टी हो चाहे पाई हो, इम्पीडेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एटेन्यूएशन में हम प्योर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्यों बात करें, उसके दो कारण हैं। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे वर्ड लिखना बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, कारण आप जानते हैं परमानेंट मार्कर है, मैं मिटा नहीं पाऊंगा उसको तुरंत एट ए टाइम पढ़ाते समय। तो इसलिए जो बातें मैं बोल रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स आप खुद कॉपी में लिख लिया करो, वो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो एटेन्यूएशन करने के लिए होता क्या है कि आप किसको एटेन्यूएट कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो जनरली ये जो एटेन्यूएटर है, हम हमारी फील्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो यानी हम कम्युनिकेशन के ज़्यादा फोकस रहते हैं, वी आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ऑब्वियस बात है कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मोस्टली हमारी फ्रीक्वेंसी की बात होती है। तो जब आप एटेन्यूएटर सर्किट बनाओ तो उसमें ऐसा कंपोनेंट लगाओ जो फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट ना हो, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करे। अगर कोई सर्किट या एलिमेंट आपने ऐसा लगा दिया जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, जैसे आपका XC और XL होता है, आपने पढ़ा होगा XC एंड आपका XL। XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी भी हम बात करेंगे फिल्टर से, पहले मैं आपको ये बताऊंगा चीज़ें, क्योंकि फिल्टर में ये चीज़ें यूज होने वाली हैं, तो अच्छे से और बताऊंगा मैं आपको। तो ये दोनों ही क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं।
तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सेल एक्सी को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस आपका फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सी बात है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं। तो ये वाइवा क्वेश्चन आपका बन सकता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आ सकता है कि अगर अटेंडेंस सर्किट आप बनाते हो तो किससे बना होता है, तो रेजिस्टेंस से ही मिलकर बना होता है, और आपने अगर रेजिस्टेंस लगाया है तो पैसिव सर्किट होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आई होप समझ में आया होगा। तो हमने क्या बात की अभी तक, हमने बात की कि एटेन्यूएशन होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, एटेन्यूएटर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और जब डिजाइनिंग करते हैं हम एटेन्यूएटर की, तो उसमें हम जो एलिमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, वो कौन सा करते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो यूनिट होता है एटेन्यूएशन का, उसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे डेसिबल लिखा हुआ है, डेसिबल मतलब क्या होता है, 10 log base 10 PS/PR। PS मतलब होता है इनपुट पावर, PR मतलब होता है आउटपुट पावर या रिसीविंग पावर एट द एंड, जिसको आप बोलते हैं लोड पावर। ठीक है, यानी कि आउटपुट और इनपुट। चलिए भाई ठीक है, अगर मैं देखूँ तो पावर ऊपर भी पावर नीचे भी है, दोनों ही पावर है, इट मीन्स इसका कोई मात्रक हो क्या, नहीं, यानी ये यूनिटलेस है, कोई मात्रक नहीं होगा। गेन का कोई मात्रक होता है क्या, नहीं। तो फिर ये आप यूनिट कैसे बोल रहे हैं, पहला बात तो यही आती दिमाग में क्लिक करती है कि भाई जब ये दोनों ही पावर ऊपर नीचे हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये यूनिट है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ मापनी हो, सपोज दैट आपको पता करना हो कि कितना एटेन्यूएशन करना है हमको, या कितना हमको वोल्टेज गेन बढ़ाना है, या कितना हमको पावर चाहिए, समथिंग ऐसा कुछ अगर चाहिए, तो आपको किसी ना किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि आप हवा में बोल दोगे कि हाँ भाई 6 चाहिए 2 चाहिए 1 चाहिए, नहीं, आपको ना कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसका एटेन्यूएटर का कोई यूनिट नहीं बोल सकते आप। तो आप इसको क्या करते हो, बेल और नेपर में इसको काउंट करते हो। इट मीन्स अगर 6 dB आपको चाहिए, तो आपने कहा कि भैया अच्छा इतना 6 dB, चलो ठीक है, फटाफट आपने बना के डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फंडा है, इसलिए आप ये यूज करते हैं एटेन्यूएशन में भी और आपका गेन में भी। ठीक है, डेसिबल का। अच्छा, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है डेसिबल यूज करने का, कि जब भी आप बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, और हमारे जो कान होता है ना, जो हमारी हियरिंग प्रोसेस होती है, वो लॉगरिथमिक नेचर की होती है। लॉगरिथमिक नेचर कैसे, मतलब ये नॉन लीनियरिटी पे काम करती है, अरेखीय। आप देखते हैं ना, कभी साउंड ऊपर नीचे हो रहा है, गाने बज रहे हैं, तो कभी स्लो कभी फास्ट, कभी तबले की आवाज़ आ रही है तो कभी हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, ऐसा। तो हमारे कान बराबर सेंसिटिव होते हैं, बहुत तगड़े से, यानी कि वो हर एक बीट्स को प्रॉपरली पकड़ते हैं। तो इसलिए आपको लॉगरिथमिक स्केल यूज करना पड़ेगा, ताकि उसको अच्छे से प्लॉट कर सको अपने ग्राफ पेपर पे। और आप ये भी जानते हैं कि जितनी बड़ी क्वांटिटी होती हैं, चाहे जितनी बड़ी क्वांटिटी हो, उसको आप छोटे में ला के कर सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी है। तो क्या पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट हुआ कि लॉगरिथमिक हमारा हीरिंग होता है, इस कारण से हम यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, कितना हमको चाहिए, मतलब कि कितना हमको एटेंशन चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसको करने के लिए, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो आपका क्वांटिटी बड़ी होती है, उसको छोटा करने के लिए, जैसे अगर मान लो 1000 मीटर है, उसको मैं बोल दूँ 1 किलोमीटर, तो हो गया ना छोटा सा आपका, यानी उसको आप एक ग्राफ पेपर में आराम से दिखा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेसीबेल। अगर ध्यान से देखें तो बेल, आपके ग्राहम बेल जिन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया था, उनके ही लिए दिया गया था ये नाम। ठीक है, और दूसरी बात, डेसीबल मतलब होता है 1/10 of bell, यानी कि 1/10 of bell मतलब कि बेल जो होता है एक्चुअली, वो क्या होता है, ये 10 नहीं लगा होता है, लॉग PS/PR होता है बस, लेकिन 10 लगा दिया तो क्या हो गया आपका, 1/10 of decibel। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बताइएगा, तो मैं बता दूंगा फिर दोबारा आपको। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू भी चलता जाएगा, फिल्टर में भी आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, हर जगह भी यूज होने वाला है। बात आती नेपर की, अब नेपर क्या होता है, नेपर भी लॉगरिथमिक नेचर होता है, लेकिन ये लॉग द बेस ई होता है, इसको बोलते हो नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉगरिथमिक। देखिए मिट नहीं ना, तो कुछ ऐसा ही है, 1/2 log d base e PS/PR। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है, ये log d base 10 पे काम करता है, ये log d base e पे काम करता है।
एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है, लॉग द बेस ई जो होता है वो शॉर्ट में क्या होता है, एलन होता है। अगर लॉग द बेस 10 है तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। अगर लॉग लिखा हुआ है तो वो लॉग द बेस 10 है बाय डिफॉल्ट, अगर लॉग द बेस ई लिखा हुआ है तो एलन है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा। तो ये नेपर में होता है आपका दिस वन, ये फॉर्मूला आपका है। अच्छा, एक और बात याद आई बता दूँ आपको कि लॉग यूज करने का मतलब होता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना आपके लिए आसान होता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। जोड़ना घटाना हमको बहुत आसान लगता है, हम फटाफट जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना हमको टफ लगता है। तो ये भी एक कारण है कि जिससे आप लॉग यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो जो जो पॉइंट्स आते रहेंगे मैं आपको बता रहूँगा, तो उसको आप नोट करते रहिएगा। हर एक चीज़ लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन नेपर एंड डेसिबल। तो वन नेपर में 8.685 डेसिबल होते हैं, वन डीबी में 0.11512 नेपर होते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कन्वर्जन के रूप में, और ये आप यूज करेंगे कम्युनिकेशन में, फिल्टर में हर जगह यूज करना ही करना आपको है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये टेबल बनी हुई है, टेबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे पीएस बाई पीआर यानी पावर का रेशियो लिया हमने अगर, तो पावर में 10 लॉग बेस 10 पीएस बाई पीआर जब एटेन्यूएशन होता है इन डीबी डेसिबल में तब लेते हैं। अगर नेपर में है तो 1/2 लॉग द बेस ई पी एस बाई पी आर होता है। अगर हमने वी एस बाई वी आर लिया, वोल्टेज का रेशियो लिया, तो यहाँ पे 20 आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए डीबी में हमेशा 10 लॉग 10 पी एस बाई पावर के लिए होगा, लेकिन वोल्टेज के लिए क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए कि पी एस क्या होगा, वी एस स्क्वायर बाई आर एस, पी आर क्या होगा, वी आर स्क्वायर बाई आर नॉट समथिंग। ठीक है, तो वी एस बाई वी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता ही है, तो लॉगरिथम मेरा आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लॉगरिथम क्या होता है, एंटी लॉग में क्या होता है वगैरह वगैरह सब। तो 20 लॉग वी एस बाई वी आर हो गया, तो वी एस बाई वी आर के लिए 20 लॉग दिस। अब सेम वही यहाँ पर पी एस बाई पी आर है, स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर आपका बाहर आएगा, यहाँ 1/2 पहले से था, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो लॉग द बेस ई वी एस बाई वी आर दिस एंड दिस। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जब तैयारी करेंगे बाद में तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तैयारी का अभी से तैयारी करिए ज़्यादा बेटर है, कि ड्यूरिंग कॉलेज आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर अगर जस्ट कॉलेज के बाद ही आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, मजा ही है फिर। ओके, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हुई, आई होप सो आपको अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत आए बताइएगा। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर, यानी जो हमने एटेन्यूएटर बनाया है वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल ये वर्ड हम सुनते आ रहे हैं। सिमेट्रिकल में आपका इम्पीडेंस रिप्लेस होता है रेजिस्टेंस से, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि इम्पीडेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस में कौन सा, एक्सएल और एक्सी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अगर एक्सएल एक्सी भी आ गया तो वो कुछ फ्रिक्वेंसीज को भी अप एंड डाउन कर देगा, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस हमारा एम्पलीट्यूड डाउन हो, ओनली एम्पलीट्यूड, बस दैट्स इट। असिमेट्रिकल आपका होता है, अब सिमेट्रिकल में टी पाई ब्रिज टी एटेन्यूएटर, इनका डिजाइनिंग प्रोसेस होता है, आपसे पूछा जाता है, तो डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद वाले में बताया जाएगा आपको। ठीक है, डिजाइनिंग का एक अलग बना देंगे, क्योंकि इसमें फिर डेरिवेशन हैं, पूरा ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाना पड़ेगा डेरिवेशन कैसे है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। तो आपका आराम से 1/1 लेक्चर में दूंगा तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको पता है, अटेंडेंसन करने के लिए, अटेंडेंट करने के लिए सिग्नल को, मान लो भाई 50 वोल्ट का चांस आ गया, आपको चाहिए 10 वोल्ट, कम कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका इम्पीडेंस मैचिंग, आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, आपका सिंपली हो जाता है वो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप, सिंपली अगर बात किया तो मोस्टली आपका इतना ही है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल व्यू रहा अटेंडेंटर होता क्या है और उसके कौन कौन से यूनिट होती हैं। अब जो क्लासिफिकेशन में आ गया, तो टी ओ पाई का डिजाइनिंग प्रोसेस है वो बचा हुआ आपका है, तो एक लेक्चर में उसको डिजाइनिंग हम कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा एटेन्यूएटर हो जाएगा खत्म, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी नोट्स आपने बनाए रखे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और बाकी अगर रहा तो जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होंगी लॉकडाउन के बाद और चीज़ें अच्छी आ जाएंगी तो हम और बेहतरीन ढंग से आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, डोंट वरी, लाइव भी ट्राई करेंगे, अभी लॉकडाउन तो जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, तो देखते हैं फिल्टर और एटेन्यूएशन का जो बेसिक है, बेसिक इन द सेंस आपका कि जो सर्किट में कैसे काम करता है, अगर आपने ये समझ लिया एक बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आर है तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है,
ये एसी और डीसी पे समान व्यवहार करता है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक्सएल यानी कि ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल, यानी कि जो एक्सएल होता है वो एफ और एल दोनों पर ही डिपेंड करता है। एल मतलब होता है आपका इंडक्टर, जिसको आप बोलते हैं प्रेरक, और एफ आपका होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये यानी फ्रिक्वेंसी के साथ ये वेरी करता है। एक्सी की बात करेंगे तो 1/2 पाई एफ सी, यानी कि ये कैपेसिटर की वैल्यू पे और एफ की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ आप पढ़ते हो एसी सर्किट में। अच्छा, आप सोचते हो ना कि सर हमेशा बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ाई है तो फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं तो होता ये है कि आप जब क्लास बाई क्लास पढ़ते हैं आगे, तो पहले आपको ए बी सी डी पढ़ाया जाता है, 1 2 3 पढ़ाया जाता है, फिर धीरे आप बढ़ते हो क्लास में। तो 1 से लेकर 12 तक जो बनाया गया है, कुछ कारण है उसका। वैसे आपका सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं तो उसके कुछ कारण है। पहले आपको बेसिक सिखाया जाता है, फिर आप एडवांस क्यों पढ़ते हो। अगर आपके मेन सिलेबस में सब्जेक्ट है NFTL, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी ने आपको पहले जो बेसिक्स हैं वो आपको करवा दिए हो गए होंगे। ये 4th सेमेस्टर में आता है, आपने 1st 2nd सेमेस्टर में ये चीज़ें क्लियर कर ली होंगी, इवन 12th में भी है, ठीक है, नहीं होगा तो हम कर देंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ तो ठीक है। अच्छा, ये मैं लिया क्यों, मुद्दा इस बात का भी है भाई, क्योंकि जो भी सर्किट अगर आपकी बनती है पैसिव सर्किट, जिसको अक्रिय सर्किट बोल सकते हैं आप, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं उसका भी छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव ये एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स आपको ले दे के मिलते हैं हर जगह। आप कोई भी सर्किट देख लो यार, मोस्टली RLC से ही मिलके बनते हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ नया आपको लाना पड़ता है। ओपैम हो गया, डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर में जब आप जाते हैं तब की बात है, ठीक है, तब तो आप डायोड, ओपैम और भी चीज़ें पढ़ते हैं, BJT, FET, MOSFET, वो डिवाइसेस हो गए। लेकिन सबके अंदर जो होता है वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर ही होता है अल्टीमेटली। अगर आपने MOSFET बनाया है तो आप MOS कैपेसिटर पढ़ते हैं, आपका डायोड भी आ जाए कैपेसिटर काम करता है। तो जो बेसिक टर्म है, जो बेसिक थ्योरी है, वो सब इसी पे ही टिकी है। RLC पे टिकी है, V और I पे टिकी है, पावर पे टिकी है, एनर्जी पे टिकी है। ये 5-6 चीज़ें हैं, अगर आप ये जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। मान लीजिए अगर फ्रिक्वेंसी जीरो है, इट मीन्स वो कौन सप्लाई है, ऑब्वियस बात है डीसी सप्लाई है। डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। अगर डीसी सप्लाई है, फ्रिक्वेंसी जीरो है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक बात और याद रखिए, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही करंट का विरोध करेंगे। ओम है तो ऑब्वियस बात है, ओम सुना कि नहीं, विरोध किसका, करंट का। कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। एक्सएल जीरो होगा क्यों, क्योंकि एक्सएल एफ के समानुपात में है। अगर एफ जीरो होगा तो आपका एक्सएल भी जीरो हो जाएगा, इट मीन्स रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ठीक है। एक्सेल का एक्चुअल मतलब क्या है ना, मैं आपको ये सेपरेट वीडियो दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, पढ़ा मत होइएगा। इसका रियल में फिजिकल मीनिंग क्या है, इससे हम समझते क्या हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा अपने अंदर के साइंटिस्ट को या अपने अंदर के टेक्निकल को थोड़ा दबा कर रखिए, बताऊंगा हर चीज़, क्योंकि हर एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो गया लंबा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे, बाबा मैं पॉइंट हट जा रहा हूं। चलिए, एक्सेल इक्वल टू जीरो है, कैसे हुआ, आपने एफ की वैल्यू जीरो पुट की, आपका एक्सेल जीरो हो गया, मीन्स रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो है, करंट बहुत हाई है, करंट बहुत हाई मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, SC मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, इट मीन्स पास करेगा। पास करने मतलब क्या हुआ कि आपने एक मानक सिद्ध कर दिया कि अगर करंट फ्लो हो गई तो मतलब पास हो गया, अगर करंट फ्लो नहीं हुई तो ब्लॉक हो गया, मतलब फेल हो गया। तो भाई शॉर्ट सर्किट में करंट पास हो गई तो भाई पास हो गया वो, यानी कि DC को इंडक्टर ने, प्रेरक ने पास कर दिया। चलिए बात करते हैं भाई XC की, कैपेसिटर क्या करेगा। अब XC जो है, देखिए इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ की वैल्यू जीरो तो XC वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये इनफाइनाइट हो गया, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट का वो अपोज करेगा तगड़ा वाला, यानी करंट तो गया, मतलब ओपन सर्किट, यानी उसने ब्लॉक कर दिया। चलिए एक्सएल एक्सी की बात कर ली सर आपने, रेजिस्टेंस आपने बात ही नहीं की, तो भैया रेजिस्टेंस मतलब क्या, नो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। अच्छा बच्चा है ये, चाहे AC हो चाहे DC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये सब को पास करेगा, जाओ मौज करो। चलिए भाई यहाँ से मालूम चला कि DC को इंडक्टर पास करता है, लेकिन कैपेसिटर ब्लॉक करता है। एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पर बतानी आपको है कि ब्लॉकिंग पासिंग एक अलग चीज़ है। लोग बात क्या होता है कि इसको रट लेते हैं, समझ लेते हैं जो भी है, तो ये अप्लाई कर देते हैं कैसे, कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले
डीसी पर कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है। तो आपके दिमाग में ये बैठा है कि सर ने बताया था अरते सर ने कि कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब कैपेसिटर काम नहीं करता होगा। तो कार्य दोनों करते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, कैपेसिटर आपका दोनों पे काम करता है, इन्वर्टर आपके दोनों काम करते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग और पासिंग दोनों अलग चीज़ है। बनाएंगे बताएंगे अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसी की बात करते हैं। तो एफ इक्वल टू आपने इन्फाइनाइट ले लिया, तो एक्सएल आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल में है एक्सएल, तो आपको ब्लॉक कर देगा। एक्सी आपका जीरो कैसे होगा, वन अपॉन में इन्फाइनाइट है तो आपको पता है वन अपॉन इन्फाइनाइट यानी कि जीरो, तो आपका जीरो यानी कि पास कर देगा, यानी एसी को इंडक्टर ब्लॉक कर देगा लेकिन कैपेसिटर आपका पास कर देगा। अच्छा, अगर किसी को अभी भी तकलीफ हो तो एक जुगाड़ है, जुगाड़ बोल रहा हूँ टेक्निकली, कोई ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप किसी को बोलना कि सर ऐसा पढ़ाते हैं। जुगाड़ कैसा है कि मान लो डीसी है, ये आपका इंडक्टर है, प्रेरक है, डीसी अंदर से गया, पास कर दिया ना इसने, तो पास हो गया। अब कैपेसिटर है, डीसी आया सीधे, क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया, डीसी आया दरवाज़ा दिखा इसको, ब्लॉक हो गया। तो कब, डीसी केस में इंडक्टर पास कर देगा कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। चलिए ये देखिए, प्रमाण मांग दिक्कत होती है कि आप इसको मिटा नहीं सकते, अब मिटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखते हैं। अब बात करते हैं एसी की, अगर एसी रहेगा तो इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टर मान लीजिए है और आपका एसी ऐसे आता है, ऐसे चलता है ना ऐसे, तो ये इसको क्रॉस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉक कर दिया इसने। लेकिन कैपेसिटर रहेगा संधारित्र, तो क्या होगा, कुछ ऐसा पास हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, ये एसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर इंडक्टर रहा तो ये आपका आया एसी, ब्लॉक हो गया, लेकिन जब आपका कैपेसिटर आ जाएगा एसी के ये, तो ये इसको पास कर देगा। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, जुगाड़ है, ठीक है, जुगाड़ है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका ये है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आपने देखा था कि एटेनुएटर में आप सिर्फ रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर आप यूज नहीं करते हैं, तो उसका कारण आपको शायद अब समझ में आया होगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि एल और सी का बिहेवियर फ्रिक्वेंसी के अनुसार चेंज होता रहता है, वैल्यू उसकी बदलती रहती है। अगर मान लो कोई एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जैसे आप सुनते हैं एफ वगैरह सुनते हैं ना, 88 MHz, 92.7, 93.5 समथिंग, ठीक है, तो एक फ्रिक्वेंसी रेंज को भाई हम एटेनुएट करते हैं, तो हम फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं, हम बस एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो गई तो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसके अंदर कमी आ जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि बस एम्पलीट्यूड हमारा चेंज हो, तो बस हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा। चलिए अच्छा, ये जो सब पढ़ रहे हैं ना, तो उसका यूज है अच्छे से, आप डोंट वरी, ठीक है, फिल्टर आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको जो सब रटना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, के फिल्टर, एम ड्राई फिल्टर वगैरह सब में इसका यूज आपने ये समझ लिया, तो वो गारंटी आपको समझ में आ जाएगा, ग्राफ कैसे बनता है सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। अब फिल्टर कैसे पहचाने, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे आप फिल्टर को पहचान सकते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो खिचड़ी बन गई है तो खिचड़ी को अच्छे से खाना है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर के लिए माफी चाहता हूँ कि परमानेंट मार्कर है, मैंने आपको बताया था। तो पहला फिगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको बोल दे कोई कि बताओ भाई ये कौन सा फिल्टर है, हाई पास, लो पास, बैंड पास, या बैंड रिजेक्ट। आपके फिल्टर कई टाइप के होते हैं, एक्टिव फिल्टर होता है, पैसिव फिल्टर होता है, ठीक है, पैसिव में आप, और एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है कि पैसिव में आप आरएल से यूज करते हैं, एक्टिव में आप ओपैम यूज कर लेते हैं, ओपैम आपका क्या होता है, एक्टिव फिल्टर होता है। अच्छा, एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, मैंने बोला बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट्स, याद रखने हैं बस, हो गया कि कहाँ पास करे कहाँ ब्लॉक करेगा। तो क्या किया हमने, सोचा चलो भाई एफ इक्वल टू जीरो लेते हैं, मीन्स लो फ्रिक्वेंसी, जीरो मतलब क्या हुआ, लो ही तो हुआ, वेरी लो मतलब है ही नहीं फ्रिक्वेंसी। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर प्रेरक नहीं लगा हुआ है, बस कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर आपने नेटवर्क नहीं लगाया, सब केस बनते हैं, अभी आप बस कैपेसिटर ले रहे हैं, फिर आप इंडक्टर ले रहे हैं, फिर मैं एल और सी दोनों को लेकर बताऊंगा आपको, ठीक है, फिलहाल अभी बेसिक पे चलते हैं। अगर आपका एफ जीरो है, एफ जीरो मतलब क्या हुआ, डी सी, जीरो मतलब लो डी सी, और डी सी में कैपेसिटर कैसा होता है, ओपन सर्किट, तो आपका ये ओपन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, वी आउट इक्वल टू वी इन, ऑब्वियस बात है कि जो भी आपका इनपुट वोल्टेज रहेगा पूरा का पूरा आउटपुट में
दिख जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ कि लो फ्रिक्वेंसी को ये पास कर दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी ओपन कैसे हुआ आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, है अगर नहीं समझ आया तो। अगर f इक्वल टू इनफाइनाइट है तब क्या होगा, आपको पता है f इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब एसी, यानी कि वो पास कर देगा। पास कर देगा मतलब कि शॉर्ट सर्किट होगा ना, शॉर्ट सर्किट। फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट तो शॉर्ट सर्किट रहेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट रियल में नहीं होती है, ये आपने आइडल केस लिए हैं। रियल में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है ना, जीरो पॉसिबल है ना, इनफाइनाइट पॉसिबल है। इसका मतलब होता है कि लो फ्रीक्वेंसी और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप समझिए प्रैक्टिकली। ठीक है, अब ये शॉर्ट हो गया तो अगर आपको वी आउट वोल्टेज निकालना हो तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि ये इसके पैरेलल में जुड़ा है और ये शॉर्ट हो गया तो इसका वोल्टेज कितना है, जीरो। तो पैरेलल में वोल्टेज अगर इसके है तो ये जीरो होगा, तो ये भी जीरो होगा। बेसिक सर्किट आनी बहुत ज़रूरी है, जिसको बेसिक सर्किट में प्रॉब्लम है सॉल्व करने में तो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेसिक सर्किट इसकी भी दिक्कत है बता दे भाई, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये लगा कि हाई फ्रिक्वेंसी को ये ब्लॉक कर दे रहा है, क्योंकि वी आउट आपका जीरो आ रहा है, आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, और लो फ्रिक्वेंसी पर ये पास कर दे रहा है, इस वाला आपको वी आउट मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, एल पी एफ लो पास फिल्टर है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, अब आगे बात करते हैं। अब कैपेसिटर को आपने यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, इस जगह पर रख दिया, देखते हैं क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एफ जीरो रहा मतलब डीसी लो फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर ब्लॉक करता है, ब्लॉक किया मतलब ओपन सर्किट, ओपन हुआ मतलब ये आपका ओपन हो गया कैपेसिटर। आपका वी इन जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी आपने बैटरी को सर्किट से निकाल दिया, सोर्स को बैटरी से निकाल दिया, आपको वी आउट मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या होगा यहाँ पे, वी आउट आपका जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने बैटरी ही निकाल दी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका इन्फाइनाइट रहा तो क्या होगा, इन्फाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि आपका ये शॉर्ट हो गया तो वी आउट आपका क्या हो गया, वी इन, यानी वी आउट आपका मिल गया आपको। इट मीन्स इसने लो को ब्लॉक कर दिया, हाई को पास कर दिया, इसलिए क्या है, हाई पास फिल्टर। अच्छा, कुछ लोग को दिक्कत होती है बेसिक्स में कि सर यहाँ पे आपने वी आउट, यहाँ पे वी इन ले लिया, यहाँ पे वी आउट आपने जीरो ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक वायर शॉर्ट सर्किट है, वी की वैल्यू जीरो है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर आ गया तो आपका वी आउट कुछ ना कुछ आने वाला है। चलिए, अब सेम फिगर मैंने लिया ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर जगह क्या कर दिया, इंडक्टर कर दिया। अगर ये लो पास है तो गारंटी है कि हाई पास होगा, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर एकदम डिफरेंट होता है, मतलब वो तीर घाट है तो वो भैया जमुना घाट है, कुछ भी जाएंगे, ठीक है, एकदम अपोजिट। देख लेते हैं भाई, अगर ऐसा है तो अब f इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर की बात करेंगे, प्रेरक की बात करेंगे, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते ही वी आउट क्या होगा, जीरो होगा। कौन सा केस बना, ये वाला केस बना, वी आउट जीरो हो गया ना, यानी लो फ्रिक्वेंसी उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वैसे ही अगर f इनफाइनाइट होगा क्या होगा, आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ओपन हो गया तो वी आउट क्या आएगा आपका, वी इन के बराबर, वी आउट इक्वल टू वी इन के बराबर, यानी इसने पास कर दिया, तो ये क्या होगा, हाई पास फिल्टर, यानी कि इसने लो फ्रिक्वेंसी को बाद ब्लॉक कर दिया, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर दिया। अब जैसे ये था आपका, ये हाई पास फिल्टर था, सेम सर्किट आपकी है, यहाँ पे कैपेसिटर तो यहाँ पे आप लगा दिया इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, अगर ये हाई पास है तो ये लो पास हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। एफ इक्वल टू जीरो है, शॉर्ट सर्किट हुआ, वी आउट इक्वल टू क्या आ गया आपका, वी इन आ गया, यानी कि ये लो फ्रिक्वेंसी को पास कर दिया। अब बात करते हैं एफ इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या हुआ, ये आपका वी इन क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट है तो वी आउट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो आपका क्या आएगा, ये लो पास फिल्टर। तो ऐसे आप एनालाइज करते हो सर्किट्स को, आपकी बुक में दिया गया है पूरा डिटेल में कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वगैरह वगैरह, के फिल्टर, एम ड्राइव फिल्टर, ठीक है, बहुत सारे फिल्टर दे रखे हैं। तो ये आपका बेसिक है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में या कुछ भी आपको लिखना होगा थ्योरी पार्ट में, तो आप आराम से लिख सकते हैं अपने शब्दों में ही, ठीक है। तो अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें जो आपका फिल्टर वाला पार्ट है, एम ड्राइव वगैरह वो, और जो आपका एटेनेटर का डिजाइनिंग पार्ट है वो, दोनों कंबाइंड लेके आएंगे, आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
सो तो नहीं रहो ना? ठीक है, चलो सो मत आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करो मन ला के। लॉकडाउन जो है वो जल्दी खत्म हो जाए, भगवान करे सब अच्छे रहें, आप भी खुश रहें, आपके परिवार भी खुश रहें, सब अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, सब अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।